नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले होलास्टक के बारे में। 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च 2024 के बीच रहेगा होलास्टक। अब होलास्टक होता क्या है? होली और अष्टक दो शब्दों से मिलकर बना है होलास्टक, अर्थात होली त्योहार के 8 दिन। और आपको बताते चले कि इन 8 दिनों के अंदर संस्कार आदि शुभ कार्य ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ नहीं माने जाते। इसकी शुरुआत होलिका दहन से ठीक 7 दिन पूर्व हो जाती है और होलिका दहन सहित 8 दिन का होलास्टक होता है और इसके अगले दिन धुलेंडी के दिन से इसका समापन होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक होलास्टक होता है, क्योंकि ये अष्टमी तिथि से शुरू होता है, अतः इस हेतु भी इसे होलास्टक कहा जाता है। होलास्टक से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी जाती है। इस वर्ष होलास्टक, जैसे कि मैंने आपको बताया, 17 मार्च से प्रारंभ होगा और जो है 25 मार्च तक रहेगा और होली का जो दहन होगा वो रविवार 24 मार्च के दिन किया जाएगा। होली का दहन का जो मुहूर्त आप लोग नोट कर लें, होली का दहन का मुहूर्त इस बार काफ़ी देर से होगा, यानी कि रात की 11:13 से मध्य रात्रि के बाद 12 बज के बाद जो समय होगा 12:27 तक रहेगा, यानी 25 मार्च की सुबह हो चुकी होगी और इसकी जो कुल अवधि होगी वो हो गई 1 घंटा 14 मिनट। रंग वाली होली जो है वो सोमवार 25 मार्च को मनाई जाएगी। भद्रा कुंज का जो समय होगा वो 6:33 से 7:53 तक रहेगा, जबकि भद्रा मुख जो है 7:53 से 10:06 तक रहेगा। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि होली का जो दहन है वो काफ़ी देर से मुहूर्त है, तो इस परिस्थिति में प्रदोष के दौरान होली का दहन भद्रा के साथ किया जा सकता है। अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही और कब खत्म होगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 24 मार्च 2024 को प्रातः 9:54 से प्रारंभ और समाप्त होगी अगले दिन यानी 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:29 पर। अब बात करते हैं कि होली पर्व क्यों मनाया जाता है। हिंदू धर्म में होली पर्व को बहुत महत्व दिया गया है और इस पर्व का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस पर्व को लगभग आज के समय में सभी धर्मों के लोग मनाने लगे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा है कि ये पर्व अपने चाहने वालों से गिले शिकवे भुलाने का पर्व है। वसंत ऋतु में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला ये त्यौहार होली के अलावा बहुत से नामों से जाना जाता है। पारंपरिक रूप से रंगों के इस त्यौहार को 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन शुभ मुहूर्त में होली का पूजन और दहन किया जाता है और अगले दिन रीति रिवाज के अनुसार धूमधाम के साथ विभिन्न रंगों से होली खेली जाती है। इस त्यौहार को मनाने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण है कि इस दिन प्रकृति हर तरफ रंग बिरंगे फूलों से सजी होती है और नई फसल की शुरुआत होती है, इस खुशी में किसान झूम उठते हैं। और दूसरा प्रमुख कारण इसका है कि भक्त प्रहलाद की प्रभु के प्रति जो अनन्य भक्ति थी। इस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था, जो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था और उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा रखी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो था वो ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का जो मार्ग था वो नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ जाए। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर भक्त प्रहलाद ईश्वर भक्त होने के कारण बच गया। तभी से ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होलिका जलाई जाती है। कहीं कहीं इस दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म भी बताया गया है। अब हम बात करने वाले हैं होली के अवसर पर विभिन्न जो राशियाँ हैं वो राशियों को किन रंगों से अगर वो होली खेलेंगे तो उनके लिए शुभ रहेगा। मेष राशि की बात करते हैं और वृश्चिक राशि की बात करते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और उनका जो रंग है वो लाल है, तो इसलिए होली के दिन इन दोनों राशि के जातकों के लिए लाल रंग, गुलाबी रंग के अलावा सूखे गुलाल से जो है होली खेलना बहुत ही शुभ रहेगा। वृष राशि और तुला राशि, इन दोनों ही राशियों के स्वामी जो है वो शुक्र ग्रह हैं और शुक्र ग्रह का जो वर्ण है वो है सफ़ेद। अतः होली के दिन इन दोनों ही राशि के जातकों के लिए सफ़ेद रंग या क्रीम रंग या फिर मिश्रित रंग से होली खेलना या फिर उस कलर में दही मिलाकर होली खेलना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि या कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध ग्रह और बुध ग्रह का वर्ण हरा होता है। अतः होली के दिन यदि इन दोनों ही राशि के जातकों के लिए हरे रंग के अलावा मिश्रित रंग से होली खेलना खेले तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और होली के दिन इस अवसर पर सफेद रंग या फिर सिल्वर कलर से होली खेलना इनके लिए बहुत शुभ रहेगा।
सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव, सूर्य ग्रह का वर्ण जो है वो है लाल। अतः होली के दिन लाल रंग के अलावा नारंगी रंग या फिर पीले रंग से होली खेलना इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। धनु राशि और मीन राशि, धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह देव जो है वो बृहस्पति है और गुरु का जो रंग है वो पीला बताया गया है, इसलिए इन दोनों ही राशि के जातकों को होली के दिन पीले रंग से होली खेलना बहुत ही शुभ रहेगा। मकर राशि और कुंभ राशि की बात करते हैं, मकर और कुंभ राशि इन दोनों राशि के स्वामी ग्रह जो है वो है शनिदेव। शनि ग्रह नील वर्ण के हैं, अतः होली के दिन इस अवसर पर जातकों को ये जो जातक हैं अगर नीले रंग के अलावा मिश्रित रंग से अगर ये होली खेलते हैं इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दर्शकों, हमने आपको सामान्य जानकारी दी, मुहूर्त के बारे में जानकारी दी, स्टार स्टेल परिवार की तरफ से आपको परिवार सहित होली पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। यदि आप होलिका की जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8588008900 और हमारी वेबसाइट है www.starskill.com। आप प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप हमारे ज्योतिषाचार्य से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार स्टेल। नमस्कार।